हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि पिछला जो मैंने पेड़ी वाला प्लांट का वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को खाद बताई थी कि कौन सी खाद अगर अपने खेत में डालें तो बंच की जो है क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है, लंबाई में इम्प्रूवमेंट होता है, और अगर फ्लावरिंग लेट है तो फ्लावरिंग भी जल्दी थोड़ा हो जाती है। तो ये सब मैंने बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में। जो लोग खाद के बारे में जानना चाहते हैं कि खाद कौन सी यूज करें इस टाइम पे, तो वो वीडियो मैंने पिछले वीडियो में मैंने वो सब चीज़ें बता चुकी हैं। तो वो लोग जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के वीडियो के बारे में कि आज के वीडियो में आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरे बंच देख सकते हैं, सब बंच लगभग 25 से 30 दिन के आसपास के हो गए हैं। कुछ बंच 15 से 20 दिन के आसपास के भी हैं। तो आज मैं अपने पूरे खेत में बंच स्प्रे करने वाला हूँ। तो बंच स्प्रे में मैंने कौन कौन सी दवाएं ली हैं, उन दवाओं का क्या यूज है अपने खेत में, उनकी डोज क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। हालांकि अगर बात की जाए बंच स्प्रे की, तो मैंने पिछले वर्ष भी लगभग 4 बंच स्प्रे के वीडियो बनाए थे। जो भी मैंने अपने खेत में स्प्रे किए थे उसके वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड हैं, और इसके पहले जो सन 2022 में मैंने स्प्रे किए थे उसके भी पड़े हुए हैं। और अब क्योंकि ये जो मेरा प्लांट है पेड़ी वाला, ये मैंने आप लोगों से बताया ही था कि 25-26 अक्टूबर को पिछले वर्ष मैंने पेड़ी छोड़ी थी। पिछले वर्ष 25-26 अक्टूबर को पेड़ी छोड़ने के बाद उसमें इस जुलाई के महीने में बंच आना, और आप लोग इस क्वालिटी की बंच देख सकते हैं। इस क्वालिटी की बंच आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जो लोग केले की खेती करते हैं वो लोग समझ रहे होंगे कि अक्टूबर के महीने में लास्ट में छोड़ना, उसके बाद इतनी अच्छी बंच आना। जो लोग भी मेरे चैनल पर रेगुलर बने रहते हैं उन लोगों ने देखा होगा कि मैंने अक्टूबर में 26-27 अक्टूबर के आसपास एक वीडियो बनाया था, जिसमें आप लोगों को पेड़ी की छटाई करते हुए और जो नया कल्ला है वो छोड़ते हुए आप लोगों को दिखाया था। तो आज के वीडियो में सब कुछ बताने से पहले आप लोगों को मैं सबसे पहले आपको लोगों को एक झलक थोड़ा अपना प्लाट दिखाना चाहता हूँ। उससे आप लोगों को थोड़ा अनुभव लगेगा कि जो मैंने अब तक की फर्टिलाइजर दी हैं उनका क्या रिजल्ट आपने खेत में देखने को मिला है। पिछली फर्टिलाइजर का जो लोग पिछला देखे हैं ये देखेंगे तो उनको थोड़ा अंतर पता चलेगा। और थोड़ा इसलिए भी दिखा देते हैं कि जब बंच का स्प्रे हम करेंगे तो उससे जो इम्प्रूवमेंट आती है उसको मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग मेरा प्लाट थोड़ा एक नज़र देख लीजिए कि जो बंच वगैरह हैं वो किस तरीके की हैं। तो एक बंच तो आपके सामने ही है जिसके बगल मैं खड़ा हुआ हूँ, तो ये बंच है। और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, ये बंच है। दोस्तों, मेरे खेत में जो अब बंच आई हैं उनमें हत्थे जरूर कम हैं। अगर आप हत्थों की संख्या गिनेंगे बंच में तो 2, 4, 6, 8, लगभग 8, 9, 7 ऐसे ही करके हत्थे हैं। लेकिन जो बंच की क्वालिटी है, छिमी की लंबाई है, बंच की जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छी है, आप लोग भी देख सकते हैं। अगर बंच की लंबाई, बंच में जो फिंगर्स हैं उनकी लंबाई अच्छी होती है और बंच में थोड़ा सफाई होती है, तब उसको बेचने में बहुत आसान रहता है दोस्तों। और व्यापारी जो है वो केवल बंच की आपकी सफाई, क्वालिटी और लंबाई ही देखता है दोस्तों। पेड़ी वाली फसल में बंच की लंबाई अच्छी लेना, फिंगर्स की लंबाई लेना और क्वालिटी अच्छी होना, बीटल ना लगना, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना रहता है। क्योंकि पहली क्रॉप जब होती है उसमें तो हो जाता है ये सब, लेकिन जब पेड़ी वाली फसल रहती है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, तब जाके ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि जो बंच आप लोगों को दिखाई गई है आप लोगों ने देखा होगा, लगभग इसी तरीके का हमारा खेत है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आप लोगों को बताते हैं कि मैंने आज स्प्रे के लिए कौन कौन सी दवाएं ली हैं। दोस्तों, मैं जब भी बंच स्प्रे के लिए दवाएं लेता हूं तो अपने जो फसल है उसकी कंडीशन देख के उस हिसाब से अपना मैं स्प्रे लेता हूं। पिछली बार क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था स्प्रे के लिए, इसलिए मैं अपने खेत में थोड़ा उस हिसाब से स्प्रे ले रहा था। पहले फंगीसाइड और कीटनाशक का अलग कर दिया था, बाद में फर्टिलाइजर वगैरह दिया था। क्योंकि अब मेरे पास टाइम कब है, इस महीने में लगभग मेरी फसल तैयार होने के करीब में होती थी, और अब की बार मैं अब बंच स्प्रे स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए कई चीज़ें एक मिक्स करनी पड़ रही हैं। तो दोस्तों, जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा वो चीज़ें मैं मिक्स करूँगा, तो वो चीज़ें आप भी अगर ले रहे हैं तो वो मिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपनी बदल रहे हैं या अन्य कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप इतनी चीज़ें अपने खेत में मिक्स करके डालें।
तो सबसे पहले ही मैं ये बात बता देता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं ले रहा हूँ इनको मैंने यूज किया है, एक में मिक्स करके डाल के देखा है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और मिक्स आराम से हो जाती हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए मैं इनको एक साथ यूज करता हूँ। अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो इतनी चीज़ें ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई टेक्निकल दूसरा ले रहे हैं, इसमें मिक्स कर रहे हैं, तो आप अपने रिस्क पर इसमें मिक्स करना। तो दोस्तों चलिए मैं देर न करते हुए आप लोगों को दवाएं बताता हूँ कि मैं कौन कौन सी दवाएं अपने खेत में स्प्रे के लिए ले रहा हूँ। दोस्तों एक दवा है साइन के नाम से, जो एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, प्लांट ग्रोथ इन्हेंसर है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। इसको डालने से जो हमारी फिंगर्स है उनकी लंबाई बहुत अच्छी से बढ़ती है, तेज़ी से लंबाई बढ़ती है और बंच में थोड़ा अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है, इसलिए मैं हर बार इसका यूज करता हूँ। जो साइन दोस्तों मैं लेता हूँ उसको हर स्प्रे में लगभग 25 से 30 ml टंकी के हिसाब से मैं लेता हूँ। लगभग आप मान के चलिए 1.5 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से ये इसकी डोज ली जाती है। तो इसको मैं अपने बंच स्प्रे के लिए आज ले रहा हूँ। अगले वीडियो में, अगले स्प्रे में मैं लेता हूँ या नहीं लेता हूँ अगले बार बताऊँगा। तो अब की बार मैं ले रहा हूँ साइन, साथ में बोरान ले रहा हूँ। बोरान का भी मैंने आप लोगों को काम बताया है, अगर आपके खेत में कभी कोई भी फसल में फल तैयार करने के लिए आपको डालना है, फल में जो गूदा बनता है अंदर उसके भराव के लिए, अच्छा फल में स्टोरेज आए उसको, उसके भराव के लिए जो है हमारा बोरान बहुत अच्छा काम करता है। तो बोरान आप किसी भी फसल को जल्दी तैयार करने के लिए और अच्छी चमकदार बनाने के लिए बोरान का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरान जो 20% वाला पाउडर फॉर्म में आता है, मैं उसको ले रहा हूँ दोस्तों इस पर स्प्रे के लिए, 20 ग्राम पर टंकी के हिसाब से। तो 20 ग्राम पर टंकी के हिसाब से बोरान हो गया। और तीसरी चीज़ मैंने आप लोगों से बताया है कि फंगीसाइड और कीटनाशक भी साथ में लेना है। तो फंगीसाइड के रूप में मैं डोमार्क ले रहा हूँ, जिसमें होता है टेट्राकोनाजोल। आप लोगों को कई बार मैंने बताया है ये फंगीसाइड, पिछली बार भी बंच स्प्रे में मैंने लिया था। इसका डोज मैं ले रहा हूँ दोस्तों 20 से 25 ml पर टंकी के हिसाब से। तो 20 से 25 ml पर टंकी के हिसाब से डोमार्क हो गया। कीटनाशक के तौर पर मैं ले रहा हूँ दोस्तों इमिडाक्लोप्रिड। अगर आपकी बंच पे कोई छोटे मोटे कीड़े आ रहे हैं या बंच में दाग वगैरह बन रहे हैं, बिंदी वगैरह कुछ लोगों के बंच पे आ जाती हैं, तो इन सब चीज़ों की थोड़ा सफाई के लिए, खेत में मच्छर वगैरह हों उनको ख़त्म करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड वगैरह ले लेते हैं बंच स्प्रे में। तो इमिडाक्लोप्रिड ले लिया हमने बंच स्प्रे के लिए, लगभग 20 ml पर टंकी के हिसाब से। और एक चीज़ हमने ली है दोस्तों, इसको थोड़ा बढ़ने के लिए फर्टिलाइजर वगैरह की भी ज़रूरत होती है, जिसमें हम NPK लेते हैं। NPK 13045, NPK 13045 स्टार्टिंग में जब भी आप पहला स्प्रे दूसरा स्प्रे करें तब अगर आप NPK लें, तो NPK 13045 ही लें, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका रहता है। अगर आप इफको का ले रहे हैं तो इफको का 100 ग्राम पर टंकी के हिसाब से, या अन्य कंपनी का जैसे मल्टीप्लेक्स एरीज वगैरह का ले रहे हैं तो उसको लगभग 50 से 60 ग्राम पर टंकी के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो हमारा एक NPK भी हो गया, और साथ में क्योंकि हमें बंच थोड़ा जल्दी तैयार करना है, अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, जाड़े में जाना भी नहीं चाहिए, अब अगस्त आ चुका है, तो अगस्त में तो ये मान लीजिए इस महीने में तो तैयार होना ही नहीं है, सितंबर में भी नहीं होगा। अगर बहुत मेहनत करेंगे तो ये सितंबर लास्ट से कटना स्टार्ट हो जाएगा और अक्टूबर महीने भर में कट जाए, इसलिए थोड़ा जल्दी तैयार करने के लिए एक जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है जिब्रेलिक एसिड, जिसमें नाम वो आता है 24 कैरेट के नाम से, जिसमें जिब्रेलिक एसिड होता है 0.001%, बहुत ही कम मात्रा में जिब्रेलिक एसिड होता है, और कई सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनकी वजह से बंच थोड़ा जल्दी तैयार होती है। तो हम उसको भी थोड़ा ले रहे हैं। जिन लोगों के प्लाट में मान लीजिए बंच 1 महीने का नहीं हुआ है, या 20 दिन से नीचे जिन लोगों की बंच है उसमें इसका स्प्रे ना करें, इस चीज़ को ना मिलाएं, बाकी सब चीज़ें उसमें मिला सकते हैं। तो हम वो भी ले रहे हैं थोड़ा, 24 कैरेट, लगभग 50 ml, 40 से 50 ml पर टंकी के हिसाब से डोज इसकी आगे पीछे हुआ करती है। अगर आपकी बंच मान लीजिए थोड़ा गूदा ज़्यादा बन चुका है तब तो आप उसमें 50 से 60 कर सकते हैं, अगर थोड़ा गूदा कम है तो 40 से 50 ही रख सकते हैं। तो दोस्तों इतनी चीज़ों का हम आज मिश्रण बना करके, लगभग सारी चीज़ों को घोल घोल करके एक ही में टंकी में मिला करके अपनी बंच पर स्प्रे करेंगे, सारी बंच अच्छे से धुल देंगे, और धुलेंगे क्या, कायदे से पूरी छीमे में दवा सब जगह पर लग जानी चाहिए, तब जाके इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा।
तो मैंने सोचा आज जो भी स्प्रे मैं कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाऊं। काफी लोगों के बंच तैयार हो गए होंगे, काफी लोगों की फसल तैयार होने बिल्कुल लायक है, तो उन लोगों के खेत में बंच स्प्रे हो चुके होंगे। क्योंकि मेरी फसल अब की बार लेट है, इसलिए लेट वीडियो बन रहा है। जिन लोगों को पहले चाहिए था वो लोग देख सकते थे वीडियो पे, वीडियो में पिछले वर्ष के और 2022 के भी कई वर्षों के वीडियो पड़े हुए हैं बंच स्प्रे के। हर साल लगभग दवाएं वही रहती हैं, बस थोड़ा उनका कॉम्बिनेशन बदल जाता है। कभी किसके साथ क्या डाल दिए, कभी किसके साथ क्या डाल दिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालता रहता हूँ। उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। आप लोगों को जो भी अच्छा लगे इस सारी वीडियो में से, आप उसको अपने खेत में यूज करके देख सकते हैं। आपको जो रिजल्ट लगे उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया करिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग लगभग ऐसा यूज करते हैं और उनको फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है। तो जिन लोगों की फसल जैसी है, उसमें जो भी समस्याएं हैं या जो भी इम्प्रूवमेंट होता है मेरी दवाओं के हिसाब से, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। बाकी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो लगता है कि कुछ जानकारी पूर्ण है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइएगा, ताकि सभी लोग इसका, जो भी लोग केला की खेती करते हैं, लाभ उठा सकें। और जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा वो लाइक ज़रूर कर दिया करें। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये पेड़ी वाली फसल तो मेरी खराब ख़त्म हो रही है लगभग। अब जो नया वाला प्लाट लगा है उसके बारे में भी मैं रेगुलर वीडियो आप लोगों को देता चल रहा हूँ। तो उसमें भी कल एक ड्रेंचिंग होनी है, तो उसका वीडियो भी कल आ जाएगा, आज इसका वीडियो आ जाएगा। बाकी उसके बारे में सारी अपडेट मैं आप लोगों को देता चलूँगा। जो लोग भी नए केला की खेती कर रहे हैं, वो लोग उससे जुड़ करके अपना अच्छे से साथ में ही केले की खेती करते हुए चल सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।